विदाई संभाषण 16 अगस्त सन 1905 ये वो दिन था जब ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सरकार के हेड वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। और ये कोई आम बात नहीं, वो व्यक्ति जिसे स्वयं दिल्ली के सुल्तान भी सलाम करते हों, जिसके एक आदेश मात्र से पूरी भारत की ब्रिटिश आर्मी कुछ भी करने को तैयार थी, जो अकेले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों के हेड हों, वो अचानक से एक दिन रिजाइन कर देते हैं। लेकिन क्यों, जानेंगे हम हमारे इस चैप्टर विदाई संभाषण में। लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा गया हमारा ये चैप्टर विदाई संभाषण का अर्थ है विदाई के समय देने वाला भाषण या फिर फेयरवेल स्पीच, जिसे बाल मुकुंद जी उस समय लिखते हैं जब वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन अपनी वॉइसरॉय की पोजीशन से रिजाइन करके वापस ब्रिटेन जा रहे थे। सबसे पहले तो ये जान लो कि वॉइसरॉय मतलब होता कौन है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वॉइसरॉय ब्रिटेन के मोनार्च मतलब ब्रिटेन के राजा और रानी के द्वारा चुना गया एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होता था, जिसे 5 सालों के लिए भारत का पूरा कंट्रोल दे दिया जाता था। वो भारत में कुछ भी कर सकता था और सन 1899 से 1904 तक 5 सालों के लिए इंडिया के वॉइसरॉय बनते हैं वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन। और इन 5 सालों के दौरान उन्होंने इंडिया को इतनी इज्जत से लूटा कि ब्रिटेन की महारानी खुश होकर उन्हें फिर से अगले 5 सालों के लिए इंडिया का वॉइसरॉय चुनती हैं। वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन के शासन के दौरान विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, लेकिन उन सभी का एक ही मोटिव था, भारत का कल्चर समाप्त करके भारत को हमेशा के लिए ब्रिटेन का गुलाम बनाना। लेकिन इस बार वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन की किस्मत उनके साथ नहीं थी, वो करना कुछ और ही चाहते थे और हो कुछ और ही जा रहा था। उन्होंने देखा कि भारत में स्वतंत्रता की भावना बहुत तेजी से पनप रही है, जिसे रोकने के लिए वो स्वतंत्रता आंदोलन के मेन सेंटर बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिए, एक में मुस्लिम की मेजॉरिटी थी तो वहीं दूसरे तरफ हिंदुओं की। और शुरू में मुस्लिम्स ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में सब समझ गए कि वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन भारत को टुकड़ों में तोड़कर हमें आपस में लड़ाना चाहता है, जिससे लोग आपस में ही लड़ते रहें और उनका ध्यान स्वतंत्रता की तरफ कभी जाए ही नहीं। और जैसे ही ये बात लोगों के समझ में आ गई, लोगों ने बाइकॉट मूवमेंट चालू कर दिया और पूरा देश ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया। और बंगाल के इस फैसले के बाद वॉइसरॉय की न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी बड़ी बेइज्जती हुई। और धीरे धीरे ब्रिटेन की रानी, जो उनकी सारी बातों को आंख बंद करके मान लिया करती थी, उनके सारे फैसलों को अस्वीकार करने लगी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब बार बार वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन को अपनी बात मनाने के लिए ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को रिजाइन देने की धमकी देनी पड़ती थी कि रानी जी हमारी बात मान लीजिए वरना हम रिजाइन कर देंगे। और एक दिन क्वीन विक्टोरिया भी मूड में थी और उन्होंने वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन की रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, वो भी बहुत ही छोटी सी बात के लिए। बात ये थी कि वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन अपने जान पहचान के एक भरोसेदार इंसान को सेना का सेनापति बनाना चाहते थे, लेकिन क्वीन विक्टोरिया मानने को तैयार नहीं थी। तो वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने हर बार की तरह इस बार भी रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया और इस बार तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और रातों रात वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गजब बेइज्जती है। अब इतनी बेइज्जती के बाद वो अगले ही दिन इंडिया छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन क्वीन विक्टोरिया उन्हें आने ही नहीं दे रही थी और ना चाहते हुए भी उन्हें अगले वॉइसरॉय के आने तक इंडिया में ही रहना पड़ा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में किसी भी प्रेस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी छापना बिल्कुल मना था। इसीलिए लेखक बालमुकुंद गुप्त जी इस चैप्टर को व्यंगात्मक ढंग से लिखते हैं। वो ऐसे लिखते हैं जैसे हम सभी के सभी इंडियंस वॉइसरॉय लॉर्ड कार्जन के जाने से बड़े दुखी हैं और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे।
लेखक कहते हैं, आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, वरना आप तो हमेशा के लिए इंडिया के वॉइस रॉय बनना चाहते थे। वैसे इतनी जल्दी आप देश छोड़ के चले जाएंगे, ये कभी ना हमने सोचा था और ना ही कभी आपने ही सोचा होगा। आज आपको जाते देख इस बात का पता चलता है कि खुद को सारे नियम कानून से ऊपर समझने वाले वॉइस रॉय लॉर्ड काजन के ऊपर भी कोई है, और वो है भगवान, जो नियम कानून सबके ऊपर एकदम बराबर चलाते हैं। लेखक कहते हैं, वैसे एक बात कहें, आपके दूसरे बार आने पे भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते रहते थे, लेकिन फिर भी आपके जाने से लोग दुखी तो होंगे। बिछड़ना होता ही ऐसा है, यह करुणा पैदा करने वाला होता है। हो सकता है शायद तातियाना को मुझसे सच में प्यार हो गया हो, पर आप इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि मैं भी उसे सच्चा प्यार करता हूँ पापा। लेकिन फिर भी आपके जाने से लोग दुखी तो होंगे। बिछड़ना होता ही ऐसा है, यह करुणा पैदा करने वाला होता है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी ना, शिव शंभू की दो गायों वाली, जिसमें एक बलशाली गाय कमजोर गाय को बार बार टक्कर मारती थी और उसे बड़ी परेशान करती थी। लेकिन एक दिन शिव शंभू ने अपनी बलशाली गाय को एक पुरोहित को दान कर दिया, लेकिन उस बलशाली गाय के जाने के बाद वो कमजोर गाय उसे बहुत मिस की, उसने तो चारा भी नहीं खाया। जब हमारे देश में पशुओं के बीच इतनी करुणा है, तो मानव की क्या दशा होगी ये तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब देखो जी, ये सिर्फ व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, सच में कोई भी वॉइस रॉय लॉर्ड काजन को मिस नहीं करने वाला था, भला कौन याद करेगा। आहा, क्या कोड़े लगवाए थे वॉइस रॉय ने, बस यमराज का दर्शन होते होते रह गए। खैर, लेखक कहते हैं, जब आप दोबारा से भारत आए थे तो आपने स्पीच देते हुए कहा था, मैं वॉइस रॉय लॉर्ड काजन अपने कार्य से भारत को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा जिससे आने वाले अनेकों शासकों को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन आपने तो यहाँ सब उल्टा ही कर दिया, आप स्वयं तो बेचैन रहे ही, भारत में भी अशांति फैला दी। अब न जाने कितने दशकों तक शासकों को कितना समय लगेगा आपके फैलाए हुए इस रायते को समेटने में। लेखक कहते हैं, आपका ये मनमाना शासन लोगों को बहुत सालों तक याद रहेगा। आपने आंखें बंद करके हुक्म चलाए और किसी की भी नहीं सुनी, यह शासन का तरीका थोड़ी होता है। अरे वर्ल्ड क्लास ताना साहब भी कभी कभी तो लोगों की बात सुन लिया करते थे, लेकिन आपने तो कभी प्रजा को अपने नज़दीक भी नहीं आने दिया। यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया, आपकी जिद ने जनता को तो दुखी किया ही किया, साथ ही साथ आपको भी इस जिद के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। वैसे आप जाते हुए राजकुमार की तरह कोई विदाई संभाषण नहीं देंगे क्या? वैसे रहने दीजिए, आप बोलेंगे भी क्या? प्रिय देशवासियों, मैंने आपको पूरी श्रद्धा भाव से लूटा, अगर मैंने आपको दुख दर्द देने में कोई कमी रखी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे अगर आप माफ़ी ना भी मांगे और सिर्फ इतना सा भी कह दें कि मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बाद आने वाले वॉइस रॉय इस देश के गौरव को समझे और देश हित में फैसला लें, तो सिर्फ इतनी सी बात से हमारे इस देश के भारतवासी आपके सारे बुरे कर्मों के लिए आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन छोड़िए, आपसे ये उम्मीद करना भी बेकार है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।